भाई मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। मैंने अपनी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया, आप सबके माध्यम से भी मैंने उनको निमंत्रण भिजवाया। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आज से एक साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। 8 अक्टूबर 2020 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए और आज 12 सितंबर 2021 को उनकी बरसी मनाई जा रही है। इसके पूरी उनके आवास पर उनकी बरसी मनाई जा रही है और इस संदर्भ में लोजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने सबको निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया था अपने आवास पे और सबको रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बुलावा भेजा था और साथ ही साथ खुद गए थे, सभी नेता के पास वो गए थे और उन्हें निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया था कि आप मेरे घर पे आइए, मेरे आवास पे आइए और मेरे पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करिए और फिर प्रसाद ग्रहण करिए। लेकिन उनका आरोप ये था कि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो उनको वक्त नहीं दे पा रहे हैं, वो उनसे मिलने का वक्त उन्हें नहीं दे पा रहे हैं, जिसके वजह से वो उन तक कार्ड नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसी संदर्भ में जब चिराग पासवान अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने निकले थे तो मीडिया से बात करने के दौरान नीतीश कुमार पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। उन्होंने दिन रात उन्होंने मेहनत की, 5 दशक तक बेदाग सक्रिय राजनीति का अनुभव, मुझे लगता है कि ज़रूर राज्य की तरफ से उनको सम्मान ये मिलना चाहिए। जहाँ एक तरफ मैं चाहता हूँ कि राजकीय शोक की भी घोषणा हो, वहीं मैं ये भी चाहता हूँ कि उनकी एक आदमकद प्रतिमा भी प्रदेश में लगाई जाए ताकि आने वाली पीढ़ी, हमारे प्रधानमंत्री ने भी लिखा कि आने वाली पीढ़ी युवा उनके कार्यों को याद करेंगे, उससे मार्गदर्शन लेंगे। तो मैं चाहता हूँ ये कार्य हो ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले सके। देखिए मुझे नहीं पता, मैं चाहता हूँ जरूर था कि अगर जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने 2 पन्नों का भेजा है, 1.5 लाइन का ही सही, पर मैं चाहता था कि आज हमारे नेता का उनका पूरा परिवार यहाँ पर था, मुख्यमंत्री जी आते यहाँ पर उनके तमाम समर्थक मौजूद थे, उनसे मिलते तो कहीं ना कहीं हम सब में विश्वास होता कि हमारे नेता के जाने के बाद उनको याद करने वाले के लिए कम से कम प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने संवेदना रखते हैं कि वो आते अपनी श्रद्धांजलि देते। बट बहरहाल ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, आए ना आए। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, महामहिम राज्यपाल जी आए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, तमाम सांसद, तमाम विधायक, तमाम विधान पार्षद जो यहाँ पर आए, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अपने अपने परिवार की तरफ से सबका धन्यवाद। तो सुना आपने, चिराग पासवान अब भी इस उम्मीद में हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां आने वाले नहीं हैं, ये अनुमान अब नहीं लगाया जा सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके पूरी स्थित आवास पर रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देने आएंगे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बड़े नेता थे, सभी नेताओं के साथ उन्होंने काम किया है और सभी दल के साथ काम किया। मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था उनको, राजनीतिक मामले उनको कहा जाता था कि इनको पता है कि कब किसकी सरकार बनेगी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर नहीं आए हैं रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।